आज की भाग दौड़ की जिंदगी में ये स्टूडेंट जो स्टूडेंट है या वर्किंग वूमेन उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सब्जी की रेसिपी तैयार की है। मैंने लगभग 100 ग्राम राजमे को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। अब फूले हुए राजमे में राजमे को उबाल लें। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें और एक प्रेशर पर उबाल लें। राजमे की सब्जी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम राजमे को भिगोकर और इसे बॉईल कर लिया है। मसाले में मैंने 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 1 कटी हुई आलू, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और एक बड़ा चम्मच से अदरक और लहसुन का पेस्ट नमक स्वादानुसार। फ़ौरन के लिए मैंने आधा चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च, 1 चुटकी हींग और यहाँ पर 1 छोटी इलायची, दालचीनी, 1 लौंग और थोड़ी सी मैंने बड़ी इलायची भी ली है। ये फ़ौरन को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को आप इसमें मिक्स कर लें, सभी को मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी थोड़ा सा 1 टीस्पून डाल लें। इन सभी को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ मैंने सभी मसाले के साथ राजमा को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर में तेल को, मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ली हूँ और इसमें अब मैं फ़ौरन डालूँगी। करीब 2 से 2.5 टेबल स्पून आप तेल ले सकते हैं और इसमें मैं फ़ौरन के लिए जितनी भी सामग्री थी सभी को इकट्ठे डाल दूँगी। फ़ौरन थोड़ी ब्राउन हो जाए इसमें मैं सारी जितनी भी सब्जी को, मसाले को मिक्स किया था इन सभी को मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने सभी मिक्स की हुई बाद में प्याज को इसमें डाल दिया मसाले के साथ। अब थोड़ी मैं इस थाली की मसाले को भून कर इसमें डाल दूँगी। सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने थोड़े से आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, थोड़े से पानी को डाल दें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे, इसके ढक्कन को बंद कर एक प्रेशर तक पकाएं। एक प्रेशर के बाद गैस को बंद कर दें और ठंडे होने के लिए छोड़ दें। जब हमारी कुकर ठंडी हो गई तो मैंने देखिए इसे खोल लिया है। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी अच्छे से। मैंने गार्निश के लिए थोड़ा धनिया पत्ता का लीव्स ली हूँ और ये उसकी जो डंडी है मैं उसे सब्जी में डालकर भून लूँगी। सारी धनिया की डंडी को मैंने डालकर इसे भून लूँगी। इसे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आप यदि अधिक बनाना चाहते हैं तो सब्जी इसी 100 ग्राम के आधार पर 200 ग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो इसकी मात्रा को बढ़ा लेंगे। 2 से 3 मिनट सब्जी को सुखाने के बाद मैंने भून लिया और ये देखिए हमारी सब्जी अब तेल छोड़ रही है। तो इसमें आप फिर अपने आवश्यकता के अनुसार करी बनाना चाहते हैं तो उसमें पानी आप डाल लेंगे, ऐड कर लेंगे। और यदि आप 200 ग्राम का बनाना चाहते हैं तो उसी अनुसार मसाले को बढ़ा लें, प्याज को बढ़ा लें। और ये हमारी सब्जी लगभग भून गई है। अब इसमें मैं करी के लिए पानी ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने करी के लिए पानी को ऐड कर लिया है। अब इसे बंद करके आप 2 प्रेशर गलने तक पकाएं, जैसा 1 प्रेशर। लेकिन बॉयल करते समय मैं एक बात बोलना चाहूँगी, बॉयल करते समय कभी भी 1 प्रेशर से अधिक ना उबालें, नहीं अधिक उबल जाने के बाद सब्जी बनाने में मुश्किल होगी। ये हमारी राजमे की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें मैं धनिया जो पत्ता मैंने काट के रखा था उसे डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई खाने के लिए। ये राजमे की सब्जी है जो बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं बनाती हूँ। और हमारी रेसिपी यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।